किस्मत वाले हैं जौनपुर के लोग जिन्हें इतना विकास मिला है। उधर पाकिस्तान वाले मॉल लूट रहे हैं और यहाँ जौनपुर वाले विकास में डूब रहे हैं, विकास में धस रहे हैं, विकास में चल रहे हैं, विकास में नहा रहे हैं। किसी के घर के आगे विकास हुआ है तो किसी के दुकान के आगे से विकास बह रहा है। इस ट्रक वाले की किस्मत तो देखिए, आया था जौनपुर मगर यहाँ के विकास में धस कर रह गया। आज से पहले जौनपुर के लोगों ने सूखी सब्जी खा ली तो खा ली, अब नहीं खा पाएंगे। अब सकरमंडी की पत्ता गोभी, परवल, बैंगन, करेला, टिंडे विकास में भिगो कर भेजा जाएगा। पड़ोसी बांग्लादेश के लोग मारे डाह के जल भुन जाएंगे। हुजूर, अगर कम खर्च में ऑफ रोडिंग का मजा लेना है तो उठा लाइए एक सेकेंड हैंड साइकिल और घूम आइए जौनपुर। हर एक इलाका अपने आप में लाजवाब है। शाहजहां ने अगर जौनपुर के इस विकास को देख लिया होता तो आगरा की जगह जौनपुर में ही ताजमहल बनवा लेते और यहाँ के अधिकारियों और ठेकेदारों को लाखों मोहरे देकर प्रशस्ति पत्र से सम्मानित करते। इतने काबिल लोग हैं यहाँ, किसी से भी कोई भेदभाव नहीं करते। कचहरी तिराहा वाले हों या कचहरी गेट वाले, औलंदगंज वाले हों या दीवानी न्यायालय इलाके वाले, सबको इंची टेप के हिसाब से नाप नाप कर विकास दिया गया है। लेकिन अब चलिए आपको शहर के इस हालात के पीछे की कहानी बताते हैं। दरअसल जौनपुर के लिए 2018 में मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने 500 करोड़ के एसटीपी यानी सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का प्रस्ताव रखा था ताकि सीवर की प्रॉब्लम से यहां के लोगों को निजात मिल सके। लेकिन करीब 6 साल से ज्यादा हो जाने के बाद भी इस इलाके में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कभी इस मोहल्ले को खोद दिया जाता है तो कभी उस मोहल्ले को। इलाके में करीब करीब हर जगह यही हाल है। आलम यह है कि कहीं गाड़ी फंसी हुई है तो कहीं ट्रक। लोग किसी तरह अपनी जान जोखिम में डालकर घर से बाहर निकल रहे हैं। नमामि गंगे परियोजनाओं के तहत यहाँ सीवर प्रॉब्लम ठीक करने की बात कही गई मगर शहर की हालात वहीं के वहीं। लेकिन जब इस प्रोजेक्ट को और रास्तों की हालत को लेकर जौनपुर के सदर विधायक और सरकार में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने पहले तो विकास के कामों की झड़ी लगा दी, बाद में आग बबूला हो गया और यूपी तक के पत्रकार को लगे धमकाने। हालांकि सड़कों की इस हालात पर हम जौनपुर के डीएम से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और जल्द ही उनके वर्जन को भी हम प्रमुखता से जगह देंगे। जौनपुर से आदित्य भारद्वाज की रिपोर्ट, यूपी तक।